दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर निशाना साधा है। मंत्री आतिशी ने कहा कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 45 पार का नारा दिया था, लेकिन 8 पर ही पार्टी सीमित हो गई। जिस तरह से षड्यंत्र बीजेपी लगातार कर रही है, चाहे वो अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रोकना हो, चाहे वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने की साजिश हो, उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि अगर बीजेपी को 2025 के दिल्ली विधानसभा में एक भी सीट आ गई तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो आइए ऐसे में आपको सुनाते हैं कि आतिशी ने अपने बयान में बीजेपी पर निशाना साधते हुए और क्या कुछ कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक मिशन किया था 2015, उस मिशन का सक्सेस रेट था 3 out of 70। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, उनका एक बना मिशन 2020, और उन्होंने कहा था अब की बार 45 पार करने निकले थे, 8 पर सीमित रह गए। अब 2025 में जिस प्रकार के कांड वो लगातार कर रहे हैं दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, चाहे वो अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली का पानी रुकवाना हो, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को खराब करने का षड्यंत्र हो, चाहे अपने अफसरों के माध्यम से, अपने एलजी साहब के माध्यम से मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोकना हो, ओपीडी के डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटाना हो, जितने षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचेगी उतना जोर की तमाचा दिल्ली वाले उन्हें मारेंगे। मैं आपको आज पूरे कॉन्फिडेंस से बता रही हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की एक सीट भी 2025 में आ गई तो उनके लिए बहुत बड़ी बात। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में दिल्ली की सभी सीटें जीतने के बाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले 7 जुलाई को दिल्ली बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अपनी एक विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में 350 के करीब प्रमुख पदाधिकारियों के अलावा सभी बूथ अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया था। वहीं बैठक शुरू होने से पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का 26 साल का वनवास खत्म होगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया है, बीजेपी ने सभी 7 लोकसभा सीटें जीत ली हैं और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से अब मुक्ति चाहती है। बीजेपी पिछले 26 सालों से दिल्ली की सत्ता में नहीं रही है, अब हम इस वनवास को समाप्त करेंगे। दिल्ली में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जोरदार जीत हासिल की थी। 2015 में आपको 70 में से 67 और 2020 में 62 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।